दुनिया में सबसे न्यारा जट्टा का छोरा। ले भाई बिस्कुट, कौन सा बिस्कुट खाओगा? ले देख के उतरूंगा। और भाई बहुत ठंड भाई रे, ये देख लो भाई सफेद पाड़ा लिए भाई, बहुत ठंड। अज्जू कहाँ? अज्जू भाई देख लो ना इसका हवा बाज के को। ओ भाई सांस ना आ रहा, ओ भाई सांस ना आ रहा। आजा मुंह मत मुंह दू। कहाँ चलना कि निकली देर का रास्ता? अभी तो एक घंटा और है। अरे यार एक घंटा और गाड़ी चलानी पड़ेगी। देख लो ये अटल टनल है भाई, हमारे बाड़ा खमड़िया टनल में घुस रखे हैं। यहाँ पे ना अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड लिमिट दे रखी है, किसी पे 60 दे रखी है, किसी पे 40 दे रखी है। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ क्रूज क्लास पर, ये पीछे चिप्स एंजॉय करने लग रहे हैं। यहाँ पे अलग से वो ले रहा है टाइम लैप्स, अर्चित अलग टाइम लैप्स ले रहा, तो बहुत तुम्हें सिनेमैटिक वीडियो मिल जाएगी, टेंशन मत ले। ठीक है अरमन चला दो गाड़ी। अगली तरफ जो व्यू आने वाला है ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जन्नत जो होती है ना, जन्नत जुबैर नहीं, वो नहीं नॉर्मल जन्नत जो रहा ना, मतलब बढ़िया चीज व्यू वो भाई जो तुम्हें देखने को मिलेगा ना। शीशे का हीटर चला देते हैं फ्रंट, चलगा भाई फ्रंट। ठीक है इसने बेचारे ने वो लग गई थी, वो फूक फागान लग गया था, बाकी 60 पे देख लो, 50 पे सेट कर रखा, 10 कमी है ताकि चलान वलान ना आवे। चलान वलान ना आवे। ठीक है तो अभी इसको क्रॉस करने से पहले स्टार्ट कर दूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग, एंड लेट्स सी कि व्यू कैसा देखने को मिलता। भाई मैं भी खुद जिंदगी में पहली बार आया हूँ वैसे, मतलब इस साइड टनल में रोहतांग तक तो जा रखा हूँ। मेरे साथ इन सब भाइयों का, एलविस का, अलक्ष्य का, अर्चित का, सबका फर्स्ट टाइम है। अज्जू भाई जा रखे हैं कई बारी, उनका तो काम ही हुई है ना डोलने फिरने का। तो अज्जू भाई जा रखे हैं, अज्जू भाई हमें गाइड करेंगे आगे कहाँ जाना है। ठीक है तो टनल के क्रॉस करके मिलता हूँ। तो भाई यहाँ पे ना प्राइवेट व्हीकल्स के लिए पर्ची कटा है, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, मतलब शिशु से आगे जाने के। शिशु है कितने की कटी है? बहुत तो कुछ नहीं भाई, धोले पहाड़ देख लो, कति धोले पहाड़, एक नंबर की बर्फ हो रही है यहाँ पे। अभी तो और आगे जा रहे हैं देख रहे हैं, और अभी अनु क्या कहते हैं ना, ब्लैक आइस पे चलेगी, ब्लैक आइस पे चलेगी। तुम्हारे भाई ने चलाई है ब्लैक आइस पे कई दिन, मतलब कई देर, ये पूरी ब्लैक आइस आइस पे चल रहे हैं, मतलब हमारी गाड़ी ना नीचे इतनी बर्फ जमी पड़ी है की। और टेम्परेचर यहाँ पे -6, मतलब देख सकते हो आप शीशे में -6, अभी गूगल पे चेक करा हमने, -6 गाड़ी में इंजन की इतनी से ज्यादा दिखा रहा है भाई। ये देख लो नीचे जो घर है एक दो, ये दिख रहे हैं तुम्हें? ये रे भाई सोचे लोग कैसे रहते होंगे बर्फ में, ढके उठ घर हैं बेचारों के, झंडे वंडे लहरा रहे हैं, और तुम व्यू देख लो बस। एक बार बंद करिए भाई, एक बार गाना 2 मिनट बंद कर दे भाई। भाई ये देख लो कितने प्यारे घर हैं, ये देख लो पूरा स्विट्जरलैंड में बस ये घर हैं ये। यहाँ पर रोकी है, चाय पानी पी रहे हैं बालक, और आगे जाएंगे पता ना बालक नु कह रहे हैं 15 तक में स्नोफॉल होगी, आज है 13। अब नु कह रहा है अज्जू भाई, तो नु कह रहा है कि अगर स्नोफॉल होगी ना 3-4 दिन के लिए, अज्जू भाई नु कह रहा है अगर यहाँ स्नोफॉल होगी तो 3-4 दिन के लिए फंसे रह जाएंगे। ये क्या सीन है? जब तक स्नोफॉल होगी ना हाँ तो वो फंसा रहेगा। तो ओ भाई जाओ भाई, हमने घर आते अपनी मर्जी थे जाते की जोरे मर्जी से। ये क्या कह रहा है जो, पागल हो जाएंगे। ओ भाई ये अपना होटल, यहाँ पे अज्जू भाई कह रहा है यहाँ रुकेंगे, इन्हू कह रहा है कि वहाँ तो हर जगह बर्फ पाएगी, पर यहाँ पे मेरे ख्याल से स्नोफॉल हुआ है इसलिए चक्कर हटाने वटाने को, मतलब हम ऐसी जगह रुके हैं जहाँ पे ऑलरेडी बर्फ पड़ी हुई है, बाकी कल का या परसों का प्रेडिक्शन है कि बर्फ पड़ेगी। ये सारे जा रहे हैं चेक इन कराउंड, बाकी देख लो भाई रोड पे भी बर्फ है, यहाँ हमारा होटल है ना वहाँ रोड पे भी बर्फ है, पिघल पिघल आ रही नीचे, चेक इन करवाते हैं अंदर, लेट्स सी क्या होता भाई। इस होटल में तो यो सीन है, बालकनी में भी हटिए भाई, बर्फ जमी पड़ी है बालकनी में भी, देख लो भाई बर्फ के बीच में रह रहे, कदे भी स्नोफॉल हो सके। गाइस ठंड हो रही बहुत भयंकर, मैंने ना भी जैकेट उतार ली है, बालक चौमिन चौमिन खा रहे हैं, ठंड हो रही, वो तो हीटर हमारा काम कर रहा है। और पर भाई तुम्हें मैं ना भी बाहर का कलर कॉन्ट्रास्ट दिखाता हूँ, अभी मैं हॉट चॉकलेट लेके गया बाहर, मजे कर दिए, मस्ती बांध दी, मतलब पहाड़ पे तो हॉट चॉकलेट मिल जाना तो मस्ती आ जाए। मैं तुम्हें बाहर का भी दिखाता हूँ, कलर कॉन्ट्रास्ट देखना, कुछ पोल्यूशन नहीं बस ठंड। भाई ये देख लो सनसेट एक बारी, और यहाँ पे बालकनी में बर्फ पड़ी है, और इस तरफ तो मैं बाहर जाऊंगा भाई, कुल्फी में जाम रही है, -6 डिग्री टेम्परेचर है, तो समझ जाना थोड़ा सा। ठीक है तो भाई देख लो कति पैक हो गए, कति पैक हो लिया, 3-4 लेयर पहन ली, बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान वामान लेने, ये बाढ़ निकाले भाई सर्दी लग रही है, आज तक दस्ताने पस्ताने ले आएंगे, और अब बहुत ठंड भाई, ये देख लो जॉर्डन, अरे मेरी लोई उड़ गई भाई, पकड़िए अर्चित का कैडा, लोई उड़ने कई कई जैकेट कई लोग सामान लेने जा रहे हैं, टोपी टापी मिल जाए, कुछ जैकेट जो मिल जाए, दस्ताने पस्ताने, तो आगे की दुकान खुल रही है, पीछे का व्यू देख लो भाई। एक बात बता, जब यहाँ स्नोफॉल हो जाएगी तो कितना टेम्परेचर रहेगा? अभी जो -6 -7 है, अरे यार सामान दुकान बंद ना होगी। ये देख लो भाई बर्फ पड़ी है साइड में, बर्फ पे चल रहे हैं, सामने में पहाड़ ढके ओढ़, यहाँ तक मिल्की वे गैलेक्सी दिखेगी। इंस्टाग्राम पे फोटो पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फोटो घेरूंगा, रात में स्टार्स दिखते कैड यहाँ तक, तो नाइट मोड में अपनी
पूरी स्टार्स की वो जो रहे ना पिक्चर आ जो फोटोग्राफर खींचे करे कौन जो भी कह रहा उसने वो खींचेगा बहुत ठंड भाई चाटा भाई दुकान तो बंद होगी दिखे यार दस्ताने चाहिए अभी जाना दस्ताने के तो हाथ जम जाएंगे चलो गाइस दुकान पे पहुंच के या तो होटल पहुंच के करूंगा अब स्टार्ट बाय बाय द नेक्स्ट डे भाई देख लो भाई आंख ना कुलरी में चोंदा मार रहे हैं साड़ी सफेद पहाड़ ओह व्हाट अ व्यू मैन अरे बहन जो कहती आप अरे वो है टीम बात है क्या नहीं यार ये तो देख लो भाई क्या सिस्टम कर दिया इसने बेटे वैसे यहाँ गर्म पानी मिल रहा है बहुत बड़ी बात है भाई ओ भाई, अब उबला हुआ कैप निकलेगा हमारा एडिट कर रहा छोरा तो कम फेंक रहा है पर ये तो कम फेंक रहा है भाई मैं तो नहाकर रेडी हो लिया थोड़े ना होट से वो हो गए ड्राई से लिप क्रीम लगानी पड़ेगी और अर्चित अपना एडिट कर रहा है यहाँ पे मेन चैनल की वीडियो एलविश हो रहा के काय कर रहे हैं वो भी कुछ एडिट एडिट करने लग रहा है और बाहर यार आज इतनी भीड़ होगी ना वहाँ पर जाने की सोच रहे थे जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ बोला पूरी पार्किंग ठाडी भरी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर धूप धाप निकलेगी ना स्नोफॉल ना होया स्नोफॉल शायद अब कल होएगा वो मेरे को ना पता कब भी भगवान के ऊपर है तो कब होएगा बाकी यहाँ पे एक जगह है पार्किंग नीचे वहाँ पे पार्किंग पूरी भर गई है मैं तुम्हें दिखाता ये देख लो ये तो मेरा तौलिया सूख रहा ये वो दिग्गी ये वाली पार्किंग जो है ये भर चुकी है पूरी ये अपना ये यहाँ पे जाने की सोच रहे थे स्किट्स कट मारते पर कोई ना रील राल बनाने तो अब भी जाएंगे पता है तुम्हें एक बात और ऐसी जगह पा के गर्म पानी मिलना भी एक वरदान ही है सच बता रहा हूँ यहाँ पर तो बर्फ जम जा रात ने मतलब बहुत कैडी और हवा चल रही है बहुत ठंडी वो तो मैं नहा लिया आज तो कोई दिक्कत ना है पर भाई बहुत कैडी हवा चल रही है बहुत टेम्परेचर बहुत माइनस में यहाँ पे मतलब -8 था कल रात को तो ये देखिए ब्रेकफास्ट आ चुका है बेड पे ये आलस के सारे आलस के ही है ना नहाए ना धोए ना खाना चाहिए पहले मैं तो नहाया भाई है? ना लिए कोई सा ना नहाया झूठ बोल रहे हैं ठीक है तो मैं ब्रेकफास्ट खा लूंगा यार खा लूंगा थोड़ा सा है ना तो भाई ये देख लो मैं तो ऊपर होटल में था अभी सभी नहान घुसा अरे ये नीचे ऑलरेडी बहन जो कहाँ अरे आन का रास्ता कहाँ है अरे यहाँ अरे पकड़ लो यार मैं फिसल जाऊंगा अरे बहुत ठंड है भाई रे भाई मैं नारा नीचे बाकी व्यूज देख लो भाई व्यूज कह रहा हूँ व्यू देख लो अरे एक दो करवा लेते हैं यहाँ पे तो यार स्नोमो बनाने का भी जीना कर रहा माइनस में टेम्परेचर है भाई जूतों में बर्फ चली गई हैं गीले हो गए जूते अंदर से तो क्यों पैर का गया था किसने कही थी अरे भाई मेरे को क्या पता था यहाँ पे स्नो बूट पहरे जावे ये ना पहरे जावे स्नो बूट कहो भाई लाओ बर्फ तो बड़ी टाइट हो रही है माइनस की टेम्परेचर माइनस की है 10 है माइनस अज्जू भाई कहाँ है पर ज्यादा दिन ना 3-4 दिन के लिए भाई ऊपर बादल हो गए देखो दिखना रहा स्नोफॉल हो सके देख लो एक बारी ये पहले सुबह चोटी दिख रही थी क्लियर अपना दिख रही तो स्नोफॉल आओ ना तो अपने घर से आशीर्वाद आटा लेके आना भाई यहाँ मिले मैदा कोरा मैदा मैं तो इसलिए खा ही ना रहा मैं तो वैसे भी चावल खाया करूँ और वैसे भी यहाँ पे चावल ही चल रहे हैं मेरे मैं तो रोटी खा ही ना रहा क्योंकि मैदे वाली खा खा पागल हो गई एक भाई का तो बवासीर हो रहा है मैदा खा के तो बेचारे ने वो करवा दिया खा पा रहे ढंग से ना हक पा रहे ढंग से में गर्म पानी आ रहा है ओ भाई स्नोफॉल होने वाला शाबाश हो जाएगा अज्जू भाई के पास चलते हैं जरा अंदर और देखते हैं ये क्या कर रहे हैं अभी कैन आई कम इनसाइड अज्जू भाई आजा भाई हीटर चला रखा है अभी आ रहे हैं ये चश्मा हटा दो टूट जाएगा देखो कुत्ता बैठा है इसने हटा दो इसको उसको बुला ले यार एल्विस को हां यार चल भाई आ रहे हैं वो ना कह रहा बहुत वो वाइन भाई चलना दो हीटर चलना दो हमारा अल्विस हमारा बेचारा वो है ना वे ना आलस का देवता भाई इतना आलसी है भाई कसम हीटर चला रखा मस्ती आ रही ठंड